सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा हाँ, ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्यगण, मेरे प्रिय छात्रों, प्राध्यापक वृंद, कर्मचारीगण, अतिथिगण और यहाँ उपस्थित सभी जनों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। हम लोग आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर उपस्थित हुए हैं। गणतंत्र लोक का जन का तंत्र है और यह बहुत परिश्रम से अर्जित किया गया। ये वो धरती है जहां पर वेदों में तो ये कहा गया कि भाई जननी जन्म भूमिश्च। अब जननी है कौन तो जन्मभूमि, तो भारत भूमि जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और हमारा रिश्ता माँ की तरह से है, उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, उसकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है, उसका विकास करना हमारा कर्तव्य है। मैं समझता हूँ कि हमारे लिए यह एक बहुत बड़ा शुभ अवसर है जब हम गणतंत्र को याद कर रहे हैं, गणतंत्र की पहचान को याद कर रहे हैं। और जिस व्यक्ति का मैंने आरंभ में उल्लेख किया था, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, वह हमारे एक प्रकार के मॉडल हैं। मैं चाहूँगा कि आप उनके जीवन के पन्ने पलटें। उन्होंने मूलतः एक अध्यापक का जीवन आरंभ किया था, फिर उन्होंने अखबार छापे, फिर उन्होंने सामाजिक सुधार का काम किया, फिर उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया, काफी लंबी समय तक जेल की यात्रा की, 6 वर्ष वो मांडला जेल में रहे। और इन सब के बावजूद उस आदमी ने सिंह गर्जना की कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहे हैं, उस स्वतंत्रता की रक्षा करना हमारा दायित्व है। मित्रों, आज के दिन हम देश को प्यार करने, उसके प्रति अपने आप को समर्पित करने का भाव अपने मन में ले आए। मैं आज के दिन आप सबका एक बार पुनः अभिनंदन करता हूँ और बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ हम लोग इस देश की यात्रा में, लोक की यात्रा में सहयात्री रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।